Very good and a colorful collection from a Turkish breeder, Ali Usman. I did dedicate this video especially for his exotic caught birds, whether the Lady Goldians, whether the European Society finches, whether the parrot finches, whether the owl bichinos and the cutthroats. He's doing a remarkable job. जी व्यूअर्स, तो मैं अब्दुल बासित आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूँ। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी कमेंट्स और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, ताकि जो मेरी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे ब्रीडर जो तुर्की के हैं, अली उस्मान। इनके पास बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, जिनमें पैरट फिंचेस की आप म्यूटेशंस देख सकते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन सारी ही हैं इनके पास, जिसमें राइट फेरिस पैरट है, येलो फेस है, पाइड्स हैं, सी ग्रीन है और लुटिनोज भी हैं। आप देख सकते हैं क्वालिटी इनके बर्ड्स की। सो ही इज़ अ वेरी गुड ब्रीडर फ्रॉम तुर्की। इसके अलावा बिचिनोज भी हैं इनके पास, और ये आप देख सकते हैं बिचिनो का पेयर इनका। तो इज़ अ गाय फ्राम तुर्की एंड डूइंग रियली गुड इन सपोर्टिंग एग्रीकल्चर इन तुर्की। और ये आप देख सकते हैं जो सी ग्रीन बर्ड है और इसके साथ जो है सी ग्रीन पाइड। इसके अलावा व्यूअर्स, इनके पास जो यूरोपियन सोसाइटी फिंचेस हैं उसकी आप म्यूटेशंस देख सकते हैं। ही इज़ हैविंग अ वेरी गुड कलेक्शन एंड ही इज़ हैविंग वेरी गुड ब्रीडिंग इन दीज बर्ड्स एज वेल। तो इसमें इनके पास ऑलमोस्ट तकरीबन सारी ही हैं, जिसमें मोका ब्राउन है, जिसमें ब्लैक ब्राउन है, ब्लैक ग्रे है और एल्बाइनोज हैं, इनो है, पाइड्स हैं। ऑलमोस्ट ही हैव द कंप्लीट कलेक्शन ऑफ द यूरोपियन बेंगलाइज और द यूरोपियन सोसाइटी फिंचेस। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स इनकी क्वालिटी और इनकी कलेक्शन, उनकी ब्रीडिंग, हाउ इज़ डूइंग विद द यूरोपियन बेंगलाइज। ही इज़ डूइंग वेरी वेल। तो ऑलमोस्ट ही हैव द म्यूटेशंस इन द यूरोपियन सोसाइटी फिंचेस। व्यूअर्स, ये जो हॉबी है, ये किसी ये बॉर्डर या किसी कंट्री की नहीं है, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट्स द सेम। ये आप देख सकते हैं ये सोसाइटी फिंच को अपना जो है वो हैंड फीड कर रहा है। एंड व्यूअर्स, काफ़ी सारे दोस्त जो ये समझते हैं कि ये जो हॉबी है सिर्फ बर्ड्स रखने की है, नो इट्स नॉट लाइक दैट। यू नीड डेडिकेशन, यू नीड हार्ड वर्क, यू नीड द पंक्चुअलिटी इन ऑल दीज थिंग्स, वेदर फॉर द ब्रीडर पेयर्स, वेदर फॉर द यंग पेयर्स, वेदर फॉर द यंग बर्ड्स। दे नीड टाइम, दे नीड प्रॉपर मेंटेनेंस। तो ये इट इज़ लाइक अ कम्प्लीट जॉब। अगर आप इनको अगर आपने रखना है, इनको अगर दे रियली रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन, कोई इनमें बीमारी है, कोई इनमें न्यूट्रिशनल फीड्स आपको क्या करनी है, इनके फॉस्टर्स को किस तरह से आपको रेडी करना है और किस तरह से आपको इनकी जो है ना कंप्लीट ब्रीडिंग साइंस मौजूद है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है व्यूअर्स की बस एक पेयर दो पेयर रख लिए एंड देन, इट्स नॉट लाइक दैट। जो लोग एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं बेसिकली, दे आर डूइंग देयर पार्ट वेरी वेल। तो पाकिस्तान में व्यूअर्स मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कुछ ब्रीडर्स जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, बट उनकी सपोर्ट ऐसी है कि सिर्फ उनके लिए ही है। दे कैन नॉट शो कि हम क्या कर रहे हैं, बस उनको ये होता है कि हमारे बर्ड्स जो है वो इन एक्चुअल। व्यूअर्स, मैं आप लोगों को सिंपल सी बात बताऊँ, या आप लेडी गोल्डियंस देख सकते हैं इनकी। तो व्यूअर्स, हमारे यहाँ जो होता है इस पे इस तरह से होता है कि कोई शिपमेंट आती है बाहर से, जिन लोगों के पास नॉलेज है, जो ब्रीडर्स होते हैं, वो उनको अपने पास, मैं तो आसान से लफ्ज़ों में बोलूँ, छुपा लेते हैं और फिर उनकी क्वांटिटी मल्टीपल 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 करते रहते हैं जब तक कि उनके पास फ्लॉक्स बन जाते हैं, फिर उनको वो ऑल ऑफ अ सडन मार्केट में ओपन करते हैं। तो इस तरह से उनकी अर्निंग होती है। सिंपल सी एंड क्लियर स्टेटमेंट है ये। और वो उनको ओपन नहीं करते, वो उनको दिखाते भी नहीं हैं इवन कि हम क्या ब्रीड करा रहे हैं। न्यू कमर्स को ना लिफ पता ना बे पता। व्हाट दे ट्राई टू डू इज़ के उनको जो है किसी तरह से उनके हाथ लगे और वो बस उसको जो है छुपा के रखें। तो
ये अभी कल्चर नहीं है व्यूअर्स, दुनिया शो करती है, दुनिया अपनी एक्सपीरियंस शो करती है और उस पर जो है दूसरों को नॉलेज भी देती है। दिस इज़ एवी कल्चर। ये नहीं कि आप आपके पास ही हैं और आप समझते हैं कि हम जो हैं वो ऑल ऑफ टॉप ऑफ द थिंग्स हैं। नो सो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई।